आज से पूरे देश भर में CAA का जो एक्ट था वो लागू कर दिया गया है। इसके बारे में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। CAA को लेकर लगातार इसका विरोध किया जाता रहा है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की तरफ से। अब जो सरकार ने इसे लागू कर दिया है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना एजाज कश्मीरी साहब है, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, लंबे समय से जो एक सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था, या जो बीजेपी के आला नेता थे उनका कहना था कि जल्द ही CAA लागू होगा, अब उसका नोटिफिकेशन जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से जारी कर दिया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 24 का इलेक्शन सर पे खड़ा है और अभी तक हिंदुस्तान की हुकूमत जिस तरह से खेलते आई है और लड़ाने भजाने की सियासत, वही ये काम ये फिर किया जा रहा है। CAA पर सिर्फ मुसलमानों का एतराज़ नहीं था, हिंदुस्तान का हर अमन पसंद शहरी, इंसाफ पसंद करने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एतराज़ था। लागू CAA कैसे लागू होना चाहिए, उसमें क्या क्या रूल होना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी और तमाम जिम्मेदारों को बिठाकर, जिन लोग जो समझदार लोग थे उनके ज़रिए। लेकिन क्योंकि हुकूमत की एक ज़िद है और उनको दिखाना है कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, उस मुल्क में अब जमहूरियत नहीं है, अब तानाशाही है और इसको साफ साफ तानाशाही मानी जाती है, और 24 का इलेक्शन सर पर है तो जो करना था वो कर रहे हैं। वो पोलराइजेशन की बातें जो है कही जा रही हैं, कई विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, चूंकि जो है 24 का जो चुनाव है वो, चूंकि सरकार लगातार हिंदुत्व की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, तो पोलराइजेशन का कहीं ना कहीं एक आधार बना रही है केंद्र सरकार, इसको किस तरीके से देखते हैं? हमको किसी सियासी पार्टी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमारे हुकूक, इस मुल्क में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के हुकूक कैसे मिलें, हम कैसे इस मुल्क में ख़ास तौर पर मुसलमान और पिछड़ा समाज, दबा हुआ कुचला हुआ समाज किस तरह इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकता है, हमको उसका मतलब है। सियासत लोग करें, हम ये चाहते हैं कि जो सरकारें आई आ रही हैं वो इस तरह की सियासत ना करें जिससे आफत में नफरत बढ़े। NRC हो, CAA हो, इसको ला ला कर मतलब आप दिखाना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, एक वक्त एक तबके को, एक जमात को, एक कम्युनिटी को आप पीछे बैकफुट पर इतना धकेल देना चाहते हैं कि वो सर ना उठा सके। इसलिए कभी ऐसी हरकत ना की जाए कि बिल्ली भी जब दीवार से लग जाती है तो कभी पंजा मार देती है शेर के ऊपर, तो ऐसा ना हो कि झपट्टा मारने की कोई दूसरी नौबत आ जाए, किसी को मौका मिले तो वो उससे माहौल ख़राब होगा, ऐसे काम ना किए जाए। इस मुल्क में अमन शांति रहने दी जाए। NRC CAA को लाना था, बहुत सारे शिकायतें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, सारे पहलू पे बात करके डिबेट करके, मगर जैसा इनका दिल चाह रहा वो चला रहे चलाएं, मगर इससे मुल्क आगे जाके कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क वालों को नुकसान होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जो माहौल एक बनाया जा रहा है कि मुसलमानों की जो सिटीजनशिप है वो खतरे में पड़ जाएगी, उनसे उनके प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे अपनी सिटीजनशिप को लेकर, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है? अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से, उस पर भी इस बात को स्पष्ट किया गया है, इसको किस तरीके से? हम तो किसकी जमान पर भरोसा करें, जो हिंदुस्तान के हमारे होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमने जो कहा वो जुमलेबाजी थी, तो ये भी हो सकता है ये भी जुमलेबाजी हो, 15 लाख जुमलेबाजी है, नौकरियां जुमलेबाजी है, एक बोलने वाली बात है तो ये भी बोलने वाली बात है, तो जिनको अपनी ज़बान पे खुद एतमाद है भरोसा नहीं है, उनकी बात पे भरोसा कैसे करें? हमको अपना एतमाद आपको बहाल करना चाहिए कि हमारा एतमाद बहाल हो जाए कि हाँ, ईमानदारी से आपने कुछ काम किया होता 10 साल में तो मुसलमानों को लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून नहीं है, लेकिन आज तक आपने ना देश के हक में कोई किया है सही काम, ना मुसलमानों के, ना आदिवासियों के, ना किसानों के, हमको उससे मतलब नहीं है। पीछे जो भी तबका है सिर्फ सरमायादारों के लिए काम किया गया है, ठीक है जो करना करें, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि ये हमारे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? इसका जितना ढांचा है वो साफ नज़र आ रहा है, जितने बिल लाए जा रहे हैं, जितने कानून पास किए जा रहे हैं, वो सब इसलिए है कि ये दिखाया जाए कि मुसलमानों को हम एक तरफ ढकल रहे हैं, ताकि जो 40% या 39% जो वोटिंग है हिंदुत्व और मुसलमानों की लड़ाई के दरमियान, उसको अपना बैलेंस करके काम किया जा सके। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना एजाज कश्मीर, जिनका साफ तौर पर कहना है CAA को लेकर जो डाउट्स थे उसको लेकर पहले बात होनी चाहिए थी, डिबेट होना चाहिए था, ताकि जो भी शंका लोगों के मन में है वो दूर की जा सके, लेकिन चूंकि सरकार का एक एजेंडा था उस एजेंडे के तहत CAA को लागू किया गया है, लेकिन विवाद अब भी खत्म नहीं होने वाला है लागू हो जाने के बाद भी। कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।